अब हम लोग बात करेंगे एक और टॉपिक का नाम है ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। ठीक है, अच्छा ये कैसे बनता है देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमें इसमें यहाँ पर लेना परसेंटेज फाइनल बाय वेट। अभी पढ़ा था परसेंटेज फाइनल, परसेंटेज फाइनल बाय वेट हमारा एक्सेस में रहेगा, एक्सेस में हमारा पार्टिकल से डायमीटर रहेगा। ठीक है, मिलीमीटर से लेकर चलते हैं फाइन। अब ये परसेंटेज फाइनल तो 0 to 100 लाइक करेगा। ठीक है, तो जैसे ये 0 है, ये 20 हो जाएगा, 40 हो गया, 60 हो गया, आपका ये 80 हो गया, फिर और पता चल जाते हैं इसको 100। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और समझ लेते हैं। अच्छा ग्रुप ये डायमीटर देख लेते हैं एक बार, हम लोग डायमीटर इसका यहाँ से लेकर चल रहे हैं। ठीक है, 100 mm सबसे बड़ा साइज लेकर चलते हैं, फिर हम लोग कहते हैं 10 mm पे। ठीक है, फिर हम लोग कहते हैं 1 mm पे। ठीक है, फिर हम कहते हैं 0.1 mm पे, फिर कहते हैं 0.01 mm पे, फिर हम कहते हैं 0.001 mm पे, लास्ट में 0.0003 mm। ठीक है, तो ये ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे एक्सेस एक्सेस। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं इसको यहाँ से 100 to 10, ये एक रीजन है। ठीक है, अब 10 से लेकर 1 तक, देन 1 से लेकर 0.1 तक, 0.1 से लेकर थोड़ा और आगे से इसके हाफ मिड वे तक, यहाँ तक एक रीजन होता है। ठीक है, अब इसके बाद टिल द लास्ट आपका एक फाइनल रीजन आता है। रीजन का नाम क्या है अभी हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, 110 अभी आपने पढ़ा था, इसको हम बोलते हैं ग्रेवल रीजन। ठीक है, इसके साइज आपका 10 अबव है, 4.75 होता है, लेकिन अभी हम इसको ब्रॉड कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। ठीक, अब यहां पर आपका कंबाइंड नेम होता है इसका सैंड। अब सैंड के आपके 3 रीजन मिल जाते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। 10 to 1 के बीच में आपका आता है कोर्स, 1 से पहले ही लाई करता है, लेकिन हम सिंप्लीफिकेशन के लिए 1 पे लेके चल रहे हैं। देन आपका एक मीडियम साइज, फिर आपका बहुत फाइन साइज यहाँ पर आता है। ठीक है, इसके बाद आपका सिल्ट एंड क्ले लाइक करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो अब समझते हैं कि कैसे कैसे इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स बन सकते हैं। तो जैसे एक कर्व बन सकता है जो कि यहां से चलता हुआ जाएगा और यहां पे चला गया। ठीक है, अब इस कर्व के अंदर क्या खास बात है कि इस कर्व मतलब एक ऐसा सॉइल का सैंपल है जिसमें ग्रेवल के पार्टिकल्स भी हैं, सैंड के तीनों पार्टिकल्स भी हैं, सिल्ट भी है। ठीक है, सारे परसेंट फाइनल, एक तरीके से ये वेल ग्रेडेड सॉइल है। तो मैं ऐसे कर्व जो कि कोई भी सैंड, कोई भी सॉइल का सैंपल जो ऐसा कर्व शो करता है ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर, इसको मैं बोलता हूँ एक तरीके से वेल ग्रेडेड सॉइल, वेल ग्रेडेड सॉइल। ठीक है, इसके बारे में डिटेल थोड़ा आगे पढ़ लेंगे क्या होता है वेल ग्रेडेड सॉइल में। ओके, अब मान लो आपके पास एक कर्व दे रखा है लाइक कुछ ऐसे कर्व, मान लेते हैं। ठीक है ना, अजीब है लेकिन मान लेते हैं ये कर्व। अब इस कर्व में क्या है कि ये एक तरीके से एक ही रीजन में ज्यादा फोकस्ड है, ये सैंड वाला है जिसके अंदर ग्रेवल नहीं मिलेगा, सिल्ट एंड क्ले नहीं मिलेगा। तो मैं इसको जैसे ऊपर का मैं नाम देता हूँ वेल ग्रेडेड सॉइल, तो इसको नाम दूंगा मैं पुअरली ग्रेडेड सॉइल। पुअरली ग्रेडेड सॉइल, और एक और चीज कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल भी है एक तरीके से, कि सारा सैंड ही यूनिफॉर्म है ना उसमें, थ्रू आउट द सैंड ही प्रेजेंट है बस। तो एक और नाम दे सकता हूँ इसको कि ये इसमें है यूनिफॉर्म ग्रेडेशन। ठीक है, ओके,
कलर चेंज, ब्लू तो हो गया, एक ब्लैक चल गया था, ठीक है। अब मान के चलो कि एक आया ऐसे, यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेट हो गया, ऐसे गया, ऐसे ऐसे, तो ये क्या चल रहा है? अब यहाँ क्या हुआ आपका कि एक रीजन में थोड़ा सा गैपनेस आ गई थोड़ी सी, ठीक है। ऐसे कर्व को मैं बोलता हूँ गैप ग्रेडेड सॉइल, गैप ग्रेडेड सॉइल, ठीक है, जिसमें कुछ पार्टिकल साइजेस मिसिंग होते हैं, ठीक है। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है, आगे कुछ अलग इम्पोर्टेंट चीज होगी तो आपको डिस्कस कर ही लूंगा। ये था आपका एक तरीके का ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसी कर्व से रिलेटेड, वो और देख लेते हैं। जैसे कि पहला आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हो जाएगा कि अगर स्लोप ऑफ द कर्व बहुत स्टीप है, जैसे कि इफ स्लोप ऑफ द कर्व इज स्टीप, ठीक है, तो इसका मतलब है ये पुअरली ग्रेडेड है, ठीक है। अच्छा, अब अगर इफ स्लोप ऑफ द कर्व इज इंक्लाइंड एट सम एंगल, अच्छे से मतलब 45 डिग्री 30 60 ऐसा कोई एंगल है, तो मैं कहूंगा तो ये जितना ज्यादा इंक्लिनेशन होगा इसमें देखो फायदा क्या है, अगर इंक्लाइंड है ऐसे एक इंक्लाइंड इंक्लिनेशन से ये वाला ये लाइन थी, एक इंक्लिनेशन था इसका, ठीक है ना। उस इंक्लिनेशन से क्या हो रहा था कि ये थ्रू आउट द रीजन ऑफ ग्रेवल सैंड सिल्टिंग के पास कर रहा था, तो पास कर रहा मतलब सारे के सारे रीजन के पार्टिकल्स उसके पास हैं, तो मैं उसको कहूंगा कि इट इज अ वेल ग्रेडेड, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ स्लोप ऑफ द कर्व आप पता कर सकते हैं कि वो जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है सॉल सैंपल का वो पुअरली ग्रेडेड है या फिर वेल ग्रेडेड। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं, जैसा अगर मैं बोलूं डी 60, इसका क्या मतलब होता है? डी 60 है एक ऐसा पार्टिकल साइज है, पार्टिकल साइज सच दैट 60% ऑफ द सॉइल, जो सॉइल सैंपल हमारे पास जो सॉइल सैंपल है वो 60% ऑफ द सॉइल इज फाइनर देन दिस साइज, मतलब कोई भी पर्टिकुलर साइज, मैंने साइज डिफाइन नहीं किया इसमें, वो तो डिफरेंट सैंपल के अलग हो सकता है, तो कोई भी एक पर्टिकुलर साइज जिसके रिस्पेक्ट में बाकी जितने भी आपके पास सॉइल सैंपल में पार्टिकल्स हैं वो 60% छोटे हैं, बस ये है आपका पार्टिकल साइज such that 60% of the soil is finer than this size, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर साइज है x, तो जो आपके पार्टिकल साइज है वो सारे के सारे, जैसे मान लो पार्टिकल साइज है सारे के सारे पार्टिकल साइज एटलीस्ट 60% एंड अबव होने चाहिए, जो कि x मिलीमीटर से छोटे हो, ठीक है, ये समझना होगा। तो उस सॉइल का डी 60 हो जाएगा आपका एक्स मिलीमीटर, ठीक है। जैसे और डिटेल में समझना है तो मान लो आपके पास कोई एक सॉइल सैंपल है, ठीक है, सॉइल सैंड के भी सैंपल है, उसमें आपने देखा कि एक कोई पार्टिकल्स हैं बहुत सारे, ठीक है, एक ऐसा पार्टिकल साइज आपको मिला, मान लो कि मैं कहूँ कि 2.5 मिलीमीटर, ठीक है, जिससे छोटे, अब सैंड में और भी पार्टिकल्स होंगे, तो कोई भी पार्टिकल का साइज
अगर 2.5 mm से ज्यादा है तो वो 40% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि जितने भी 2.5 mm से छोटे पार्टिकल्स हैं वो 60% से ज्यादा होने चाहिए या 60% होने चाहिए, ठीक है। तो ये साइज 2.5 mm मैं कहूंगा D60, ठीक है। तो ऐसी D60 हो गया, ऐसी में D10 डिफाइन करता हूँ, ठीक है, ऐसी में D30 डिफाइन करता हूँ। रीजन क्या है, फॉर्मुलेशन आगे आएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा अब फॉर्मुलेशन क्या है कि पहला जो फॉर्मुलेशन है वो है कोफिशियंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। इसको मैं डिनोट करता हूँ CU से, ये आगे बहुत यूज होगा, अभी जाके चल के हम लोग पढ़ेंगे कैसे कैसे क्लासिफिकेशन, जैसे हम आगे चल के पढ़ेंगे अभी कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं सॉइल को, सैंड को, सॉइल को कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं हम सॉइल को, तब वहां पर ये कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एक आगे आएगा, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, वो सब काम में आते हैं। कैलकुलेट कैसे करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का फॉर्मूला होता है D60 हमने पढ़ा था डिवाइडेड बाय D10, दैट्स इट, ठीक है। तो ये था कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। दूसरा होता है, अभी मैंने आपको बताया था कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इसको कर्वेचर है तो सी से शो करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला है D30 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय D10 इनटू D60। ये दोनों फॉर्मूले याद कर लीजिए, गेट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इन फॉर्मूले के बेस्ड पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक हो गया कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU से डिनोट करते हैं, एक हो गया कोफिशिएंट कर्वेचर CC से डिनोट करते हैं, ठीक है। और D10, D60, D30 क्या है मैंने आपको समझाई दिया, फाइन। अब एक चीज और समझ लेते हैं नोट के तरीके से, ठीक है। अगर आपकी जो सॉइल है अगर वो वेल ग्रेडेड है, अगर वो सॉइल आपकी वेल ग्रेडेड है तो इसका क्या मतलब है कि उसका जो, ये सब याद कर लीजिएगा, इसका मतलब ये है कि कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर उसका लाई करेगा 1-3 के बीच में, ठीक है। एंड कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर होगा हमेशा 4, तब ऐसी सॉइल कहलाएगी आपकी वेल ग्रेडेड सॉइल, ठीक है। अच्छा अच्छा एक चीज और, ये चीज आपकी ग्रेवल्स के लिए, ठीक है। सैंड के केस में ये वैल्यू और बढ़ जाती है, ये तो वही रहती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, जैसे ये तो मैंने वेल ग्रेडेड की बात करी, अगर वही सॉइल आपकी यूनिफॉर्म सॉइल है, या इसका नाम क्या देता हमने, पुअरली ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड सॉइल है, या फिर यूनिफॉर्म सॉइल है, तब उसके अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे लिखूं, चलो, इसका कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी हमेशा 1 होगा। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट गेट में आ चुका है कि आपका पुअरली ग्रेडेड सॉइल यूनिफॉर्म सॉइल का कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की वैल्यू क्या होती है, इट इज नथिंग बट इक्वल टू 1 यूनिटी,